अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ साहब का जो में पैदाइश मनाया गया, शहर की मारूफ शख्सियतों ने अपने चहीते कायद को मुबारकबाद देने के लिए उनके रिहाइशगाह पहुंचे। सुबह से भीड़ देखने को मिल रही थी, आप देख सकते हैं तस्वीर में भी, जनाब अबू मुल्ला इमाम साहब मुल्ला कलीम सौदागर और अतीक सैयद ने इन्हें मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी भी फरमाई। कई सारे लोग भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी गुलपोशी की। पुलिस महकमा के साथ कॉरपोरेशन अफसरान और सरकारी अफसरान भी इस वक्त जनाब फिरोज सेठ साहब के 65वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद देने पहुंचे थे। बेलगाम नॉर्थ के एमएलए आसिफ सेठ भी अपने बड़े भाई फिरोज सेठ की सालगिरह पर मौजूद रहे, लिहाजा फिरोज सेठ साहब की मकबूलियत का अंदाजा आज की इस तकरीब से लगाया जा सकता है। सिर्फ बेलगाम शहर ही नहीं, अतराफ और अतनाब से भी लोग जनाब फिरोज सेठ के घर पहुंचकर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। आइए देखते हैं कुछ मंजर। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.
सबसे पहले आज हमारे जो बीच में हमारे मेहमान अलहद फिरोज शेख साहब का जन्मदिन है, मैं पूरे मेरे वार्ड के तरफ से साहब को जन्मदिन मुबारक देता हूँ। और उसके साथ ही साथ फिरोज शेख साहब हमारे साथ में 2008 से मैंने उनके साथ में काम किया है। 2008 से लेकर 2018 तक जैसा काम हुआ है उनके साथ में हमें कुछ सीखने को मिला। और उनके काम करने का तरीका ऐसा था कि हमने जैसा आप बच्चे स्कूल को आकर सीखते हैं, आज भी मैं जाके फोर्थ में सीख। और ज़्यादा टाइम नहीं है, आधा का भी टाइम है, खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसा बॉम्बे में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे हैं, हमारे मुसलमानों के लीडर फिरोज शेख है। फिरोज शेख साहब के साथ मैंने 10 साल काम किया। बहुत लोग बोलते हैं, मुझे पूछते हैं कि 10 साल में तूने क्या किया। मुझे मैं वो लोगों को एक ही बात कहता हूँ, मैं ऐसे ईमानदार एमएलए के साथ में काम किया, मेरे लिए बहुत है। और इनके साथ में मुझे बहुत सीखने को मिला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अभी राजू शेख साहब ने मुझे, राज साहब और फिरोज शेख साहब ने, खुद तो बड़ा लीडर वो होता है कि खुद बड़ा नहीं बनता, इन्होंने साथ में आपको बड़े बने, साथ में मुझे भी बड़ा बनाया। मुझे बेलगाम का अपोजिशन लीडर बना के आपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे मेरे तीनों इलेक्शन में 2008 में, 2013 में, 2021 में जितना मुझे ऊपर वाले ने और वार्ड के लोगों ने जितना साथ दिया है, फिरोज शेख साहब ने मुझे उतना साथ दिया है। और इनके बिना मेरी जीत हमेशा कभी भी अटकी थी, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आने वाले दिन में मेरी गुजारिश है कि आपका सपोर्ट हमें ऐसी
इतना कह के मेरी दो बात खत्म करता हूँ। सब लोग जब थोड़ा दो मिनट आराम से बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए आराम से। जब हम सुबह गए आपके साथ देखने केक काटते गए तो पता है उन्होंने क्या कहा? खामोश हो जाओ, थोड़ा खामोश हो जाओ। जब साहब के पास केक काटने के लिए तब क्या बोल बोले मालूम है साहब? उन्होंने कहा कि खंजर गली में फूल में मेरी बेटियां मेरी नवासियां सब यहाँ पे हैं, मैं जाके वहां केक काटूंगा। और जब भी पंडल गली के स्कूल की बात आती है, हमारी बेटियों की बात आती है, तो साहब के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। और यदि आपने देखा है तो इतना खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं। आपने इतना प्यार दिया उनको, उससे लेवल वो आपको प्यार करते हैं। आगे चल के आपके स्कूल के लिए कोई भी चीज की जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत है तो आपके साथ बोलेंगे, आपके साथ बोलेंगे तो आपको हमेशा करके लेंगे। और किसी भी चीज की जरूरत होगी, स्कूल इनकी है और आप सब हमारी बेटियां और नवासी हैं, जो इनके साथ में आज हमारे बेटे फैजान बाबा भी हैं। हमारे पोतरे अली बाबा भी हैं। पूरी फैमिली यहाँ पे आपके साथ में केक काटने के लिए आई है। तो आप साहब के लिए एक ही चीज करना, करेंगे हमेशा दुआ करना। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्रेजेंट दुआ होती है, हमेशा दुआ करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो इतने जहां सब लोग आए ना आपके, ये आपके फ्यूचर के लिए आए कि आपकी बेटियां अपने पैरों में खड़ी होने सीखे। और जो सच है, सच ये है कि हर मुसलमान की बेटी और बच्चा सबसे ज्यादा वतन के वफादार वही है हिंदुस्तान में आज की तारीख। रिश्वतखोर कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता, ईमानदार आदमी अपने वतन के और वतनवासियों के लिए दुआ करने वाला इंसान यही एक वफादार इंसान हो सकता है अपने वतन का। और आपने खूब साबित किया है ये बात। आज तो मालूम नहीं क्या हम माहौल है, क्या हालात है, आप कोई भी बात नहीं करेंगे प्लीज, टीचर भी नहीं। हम जब छोटे थे तो हमें कोई हमारा मजहब कौन सा है नहीं पूछा करता था। हमारे दोस्त हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, डोली समाज के थे, दलित समाज के थे, कोई टेलर का बेटा था, कोई कलेक्टर का बेटा था, मगर हमारे लिए दोस्ती सिर्फ हाफ नाम से जाने जाते थे, हम पूरा नाम दिया करते थे। हर एक अपने इसमें एक दूसरे के घर जाया करता था, हर इंसान दूसरे मजहब को रिस्पेक्ट करता था। और हम किसी के मजहब को रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे मजहब को जरूर कोई और रिस्पेक्ट करेगा, ये सबसे पहले बात याद रखना। हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे टीचर्स को सभी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके अब्बा आपके अम्मी को रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे भी अम्मी को रिस्पेक्ट करेंगे। ये दुनिया की रिवाज है हिंदुस्तान में। आप थोड़ा खामोश हो जाइए। हिंदुस्तान में अब मेरी उम्र
जो भी है, आपसे बहुत ज्यादा जी सकू चुका हूँ और बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे दोस्तों में, अच्छे लोगों में, हर मजहब के लोगों में, हर मजहब के घर में खाना खाया और प्यार से खिलाया है। जो मेरे दोस्त की माँ थी वो मेरी माँ थी, ज्यादातर मराठी लोग मेरे दोस्त हुआ करते। तो ये जो भेदभाव है ये बनाया गया है, इसके आप शिकार मत हो। हमारा सबका सरनेम भारतीय है, हम सभी भारतीय है और भारतीय ही रहेंगे, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं, हमारा भी है। तो डट कीजिए, अच्छा काम कीजिए और जहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई है, यह उम्र पढ़ने लिखने की है, टीचर से सलाह करने की है और आगे का क्या फ्यूचर है आपका। आपकी उम्र ये नहीं है कि मैं पीयूसी में जाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, मैं इंटर में जाऊंगी तो किताब कहाँ से आएगी, ये आपका काम नहीं है, ये फिक्र करने का काम इन सब लोगों का है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम आपके साथ में, हम हमारे आज हमारे घर की तीन पीढ़ी यहाँ है, आज हमारे घर की तीन पीढ़ी यहाँ है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरे छोटे भाई है। तो ये मेरा पोता आपकी उम्र का है, वो भी एज स्टैंडर्ड में है। तो ये कि आप जब जैसे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होते जाएंगे वो भी आपके साथ साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट कराते रहेगा, तो उसकी भी ड्यूटी होगी इंशाल्लाह आगे जाए। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की फिक्र करके अगर हम जी नहीं सकते तो जिंदगी का मजा ही नहीं है, जिंदगी का मतलब ही नहीं है। खाना तो तीन टाइम सभी खाते हैं, कोई भूखा ना रहे, ये फिक्र करना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी मिसों के लिए दुआ यही है कि आप कीजिए।